लुबना गुल हमारे साथ हैं, हम क्योंकि औलाद और माँ की बात कर रहे हैं, तो कुछ अगर आपके चार बच्चे हैं तो उसमें से कोई एक बच्चा ऐसा होता है जो आपका लाडला होता है, और वो लाडला क्यों बनता है? ऐसा नहीं होता, बच्चे सारे बराबर होते हैं, कहते हैं ना पांचों उंगलियों में से किसी एक उंगली पे तकलीफ होगी तो दर्द हर उंगली पे बराबर होगा, मगर वो लाडला इसलिए हो जाता है क्योंकि वो बच्चा आपकी बात सबसे ज़्यादा सुनता है, वो बच्चा आपका एहसास सबसे ज़्यादा करता है। और कभी कभार बच्चे ये समझते हैं ना कि मेरी माँ या मेरा बाप मुझसे प्यार नहीं करता, सो बच्चे को ये टटोलना चाहिए कि क्या नाफरमानी आप माँ बाप की कर रहे होते हैं जो आप बाकी बच्चों से अलग होते जाते हैं, कि बच्चे दूसरे बात सुन रहे हैं और आप सुन नहीं रहे, तो आप ही हमेशा क्यों ये फीलिंग अपने दिल में रखते हैं कि मेरे माँ बाप मुझसे उतना प्यार नहीं करते बाकी सारे बहन भाइयों से ज़्यादा करते हैं। तो मेरे साथ इस वक्त लुबना है, और लुबना गर्ल को अपने बच्चे से क्या तकलीफ है ये वो बताना चाहेंगी, और उसके लिए आप लोगों से कुछ राय भी लेना चाहेंगी। अस्सलाम वालेकुम जी लुबना। मेरा ये है कि मैं समझती थी कि मैं बहुत खुशनसीब माँ हूँ, मगर मेरी समझ में ये नहीं आता कि मैं कैसे कहूँ कि मैं खुशनसीब माँ हूँ। बच्चे छोटे थे तो बड़े अच्छे थे, बड़े समझदार थे, बड़े अच्छे थे, बात भी मानते थे, मेरे ख्याल से शायद सारे ही बच्चे मानते होंगे, मगर जब बड़े होके बच्चे बदतमीज़ी करते हैं उस वक्त माँ का दिल बहुत दुखता है, और माँ हर एक से लड़ती इसी वजह से है कि वो औलाद के ही लड़ती चली जाती है। तो ये बच्चे ये क्यों नहीं समझ रहे कि मैंने इनके लिए क्या कुछ नहीं किया, अल्हम्दुलिल्लाह जो माँ कर सकती वो किया मैंने, बल्कि इनसे बढ़ के किया, मगर आज जब ये मुझसे एक मुट्ठी ऊँचे हो गए तो ये मुझसे बदतमीज़ी करेंगे, मुझसे झिड़क के बात करेंगे, या ये चाहेंगे कि मैं इनकी खादमा बनी रहूं, उसके बावजूद भी ये मुझे समझेंगे कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, ये इतना ऊंची आवाज़ से बात करेंगे कि मैं अगर चाहूँगी कि ये बात मुझसे पास आके कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा ना। आपके हस्बैंड हैं? उनकी डेथ हो गई। डेथ हो गई। उनकी डेथ होने के बाद बच्ची इस तरह का रवैया आपसे इख्तियार करने लगी? मेरे ख्याल से तो ये मुझे ऐसे ही लगता है कि उनके बाद ही कर रहे हैं, या ये मैं समझ ले सकती हूँ कि ये उनसे पहले मुझ ही से कर रहे थे खाली, और मैं इतना नहीं वो समझ रही थी अपने आप को बेबस, मगर अब तो हद हो गई ना। उनके जाने के बाद अब आपको ज़्यादा फील हो रहा है? बहुत ज़्यादा फील हो रहा है, और ये शुरू से ऐसे कर रहे होते थे बच्चे हैं, माँ बाप को यही कहते हैं आपको क्या पता, आपको क्या पता, वो शुरू से झड़क रहे होते। अब देखे ना, एक छोटा सा मसला नहीं है, बहुत बड़ा मसला है कि अगर मैं नमाज के लिए कह दूँ तो कहते हैं अपनी नमाज देख लीजिए, आप खुद पढ़ लीजिए ना, तो ये बात नहीं है। इसके बाद चलो ठीक है कोई बात नहीं, तुमने ऐसी बात कह दी, अब तुम अकल वाले हुए जा रहे हो, तुम्हें खुद एहसास हो रहा होगा, मगर बदतमीजी जो है ना वो रोज बरोज बढ़ती चली जाए। आपके बच्चे शादी वाले हैं या नहीं? अभी शादीशुदा नहीं है। अब शादी वाले ही हैं माशाल्लाह से, और शादी के बाद ज्यादा बदतमीज हो गए। शादी के बाद ज्यादा बदतमीजी हो जाती है, और थर्ड पर्सन को दिखाना, थर्ड पर्सन से मेरा दामाद है या बहू है, उसको आप बदतमीजी दिखाओ तो उससे ज्यादा दिल दुखता है, वो बर्दाश्त नहीं होते फिर माँ बाप से, क्योंकि हमने तो तुम्हारे लिए हर कुछ परेशानी झेली करी। मुझे तो ये भी अच्छा नहीं लगता था कि मेरे हस्बैंड कहें बच्चों को कुछ भी, मुझे ये होता था कि ये भी शायद गलती कर रहे हैं, ये क्यों ऐसे करते हैं, मेरे बच्चों से दुश्मनी कर रखी क्या, मगर मुझे ये समझ में नहीं आया कि फिर भी बच्चों ने अपना नहीं समझा, अगर मैंने उनको दोस्त समझा तो उन्होंने मुझे दोस्त नहीं समझा। आपको पता है मैं सबसे ये बात शेयर करना चाहूँगी, कोई एक एक्टर था जो इतना नामवर एक्टर नहीं था, सपोर्टिंग एक्टर था लेकिन अच्छा एक्टर था, वो बार बार हर किसी के पास जाता था, मुझे काम दे दो, मुझे काम दे दो। एक दफ़ा मेरे मियाँ के पास भी आया, तो मेरे मियाँ सारे डायरेक्टर हैं, तो मेरे मियाँ ने उससे कहा यार तुम अच्छे एक्टर हो, लेकिन जब भी मेरे पास कोई सीरियल डायरेक्ट करने के लिए आती है तो मेरे जहन में नहीं आते, और जब मैं वो सीरियल कर लेता हूँ डायरेक्ट तो तुम मुझे मिलते हो कि मुझे कास्ट करें, तो टाइमिंग कोई गड़बड़ हो रही है। मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हारे माँ बाप तुमसे खुश हैं? तो वो शर्मिंदा सा हो गया, उसने सर झुका लिया, कहेंगे नहीं अम्मी से ज़रा लड़ाई होती है, अम्मी से ज़्यादा नाफरमानी हो जाती है। तो मेरे मियाँ ने उसे यही कहा तुम जाओ पहले अपनी माँ को राज़ी करो, क्योंकि तुम टैलेंटेड हो, तुम्हारे अंदर सारे गुण हैं, मगर तुम दिमाग में नहीं आते क्योंकि तुम्हें रोज़ी नहीं मिल रही, क्योंकि तुम्हारी माँ तुमसे नाला है। और मैं बहुत सारे लोगों को ये कहना चाहूँगी जो अपने पेरेंट्स को फॉर ग्रांटेड लेते हैं, जब इस दुनिया में आपकी माँ या बाप में से कोई एक शख्सियत नहीं रहती, उस वक्त पछताने का कोई फ़ायदा नहीं। जब वो आपके पास हैं और आपको लग रहा है कि आपके कामों में बंदिश हो रही है, तो बंदिश इस वजह से भी होती है क्योंकि आपने अपने माँ बाप की नाफरमानी की होती है, उनसे बदतमीज़ी की होती है। बाकी अब मैं अपने उलमाए कराम से कहूँगी कि वो इनको क्या
गाइडलाइंस दे सकते हैं और वो औलाद के लिए क्या कर सकते हैं कि इनकी नाफरमानी करने में वो कितने गुना कमा रहे हैं? बेशुमार बच्चे ऐसे हम आँखों से देख चुके हैं कि जिन्होंने अपने वालिदैन के साथ जो किया उससे बढ़कर उनको भुगतना पड़ता है। कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमाया, व बिल वालिदैन इहसाना, वालिदैन के साथ एहसान करो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी तौहीद के साथ इस बात को जिक्र फरमा रहा है कि जैसे अल्लाह पर ईमान लाना है, रसूल पर ईमान लाना है, फिर बयान फरमाया गया कि वालिदैन के साथ एहसान करो, तो कितना ज़्यादा ज़रूरी है कि वालिदैन के एहसानात को याद रखना। अच्छा, फिर दूसरी तरफ ये कि नाफरमानी के हवाले से मैं एक वजीफ़ा भी यहाँ पर अर्ज़ कर देती हूँ। या अगर बच्चे छोटे होते हैं तो ये थोड़ा पॉसिबल है ये करना कि या शहीदू पढ़कर, या शहीदू 21 टाइम्स आप फजर की नमाज के बाद बच्चे की पेशानी पर हाथ रखकर और आसमान की तरफ रुक कर कर पढ़ें और उसके बाद बच्चे पे दम कर दें, या शहीदू 21 टाइम्स। अच्छा, दूसरा ये कि बच्चे ज़ाहिर है बड़े हो जाते हैं तो फिर ये थोड़ा सा पॉसिबल बाज़ औक़ात नहीं रहता, तो फिर सूरह फलक और सूरह नास ये तीन तीन बार दम करके पानी पर पढ़कर रख लें और वो पानी में शामिल करके वो पिला दीजिए, या फिर वैसे ही दम कर दें, इंशाल्लाह इसके बेहतरीन असरात आप देखेंगे। सूरह फलक, सूरह नास आखिरी सूरत हैं कुरान करीम की, तीन तीन मरतबा पढ़ें अव्वल व आखिर तीन तीन मरतबा दुरूद पाक के साथ। शुक्रिया जी। जी, अभी जो आपने वाक़ा सुनाया अपने हस्बैंड का, तो उस पर एक मुख्तसर वाक़ा है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का कि उन्होंने अल्लाह ताला से पूछा कि अल्लाह मेरे जन्नत में पड़ोसी कौन होगा, तो अल्लाह ने फरमाया कि फलां बाज़ार में जाओ, एक कसाई है, कसाब गोश्त बेचता, वो तुम्हारा जन्नत में पड़ोसी है। ये ढूंढते भालते पहुँचे कि ये कैसे हो सकता है कसाई या कसाब मेरा पड़ोसी होगा जन्नत में। अब उससे जाके दोस्ती की, सलाम दुआ की और उससे कुछ एक्सक्यूज़ ऐसा किया कि भाई मुझे तुम्हारे साथ रात को तुम्हारे घर पर रात गुजारनी करना है। बिल्कुल वो शख्स ले चला और नहीं पहचानता था हज़रत मूसा ही। चुनाचे रात को जब वो काम ख़त्म करके चला वापस, गोश्त का टुकड़ा लिया उसका साहब ने, घर आया, घर आकर उसने गोश्त को उबाला, पकाया और उसको नरम किया, बोटियाँ बनाई, रोटी पकाई। फिर वो एक घर के अंदर कोई झूला टाइप का साथ इसमें छत पे लटका था, उसको उतारा, उसके अंदर उसकी बहुत बूढ़ी लागी सी माँ मौजूद थी, उसने फिर उस खाने की चूरी बनाए, नरम लुकमे बनाए और बना बना के वो अपनी माँ के मुँह में डालता रहा, बिल्कुल नरम लुकमा करके देता रहा। बहुत बूढ़ी माँ थी, चबा नहीं सकती थी, वो नरम लुकमे खाता गया, वो खाते गए वालदा, और हर लुकमे पर दुआ देती थी कि अल्लाह तुझे जन्नत में मूसा का पड़ोसी बनाए, अल्लाह तुझे जन्नत में मूसा का पड़ोसी बनाए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम समझ गए। हज़रत मूसा ने फिर उसका किस्सा सुनाया कि मैं तुम्हें असल में ये ऑब्ज़र्व करने देखने आया था कि आखिर कौन सी ऐसी नेकी है कि जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने तुम्हें जन्नत में मेरा पड़ोसी बना दिया। दूसरा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मशहूर है कि जब वो कोहे तूर पर अल्लाह ताला से हम कलाम होने के लिए जा रहे थे, जब उनकी वालदा का फिर साया सर से उठ चुका था, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि मूसा ज़रा संभल के अब कदम रखना, मुझसे हम कलाम होने आ रहे हो। अब वो होंठ, वो हाथ, वो दुआओं के लिए होंठ हिलते थे, हाथ उठते थे दुआओं के लिए तुम्हारी माँ के, वो अब दुनिया में नहीं रहे। तो माँ का बड़ा मकाम है, ऐसी औलाद को ख्याल करना चाहिए, माँ का और बाप दोनों का, दोनों का। दुआ में बता देता हूँ, सूरह फुरकान की आयत नंबर 74 है, उसमें अल्लाह पाक ने फरमाया अपने नेक बंदों का जिक्र करके फरमाया कि लोग दुआ करते हैं कि रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रत आयुन। कुर्रत आयुन का माना आँखों की ठंडक, कुर्रत आयुनी व जअलना लिलमुत्तकीन इमामा, के हमारे परवरदिगार हमें ऐसे अपने शरीक हयात दीजिए और ऐसी औलाद दीजिए जो हमारी आँखों की ठंडक हो। तो सूरह फुरकान आयत नंबर 74, इस आयत को हर नमाज के बाद हर माँ या बाप वो इस नियत से पढ़ें कि उनकी औलाद उनकी आँखों की ठंडक बने, तो ज़रूर इसकी बरकत से इंशाल्लाह औलाद आँखों की ठंडक बनेगी। खाना पीने जब पका रही हूँ घर में ख़वातीन, तो इस आयत को 3 मरतबा या 7 मरतबा पढ़ के खाने पर दम कर दिया करें, आटे पर दम कर दें, चीज़ों पर दम कर दें, जो बच्चों को खिलाना, बच्चों को खिलाना है, तो बच्चे बड़े हों, शादीशुदा हो जाएं, बच्चे तो बच्चे ही रहते हैं ना माँ बाप के, तो या अगर सामने नहीं भी है, दूर हैं, बहुत से बच्चे बाहर हैं, मुझसे बाहर हैं, वो भी माँ कंप्लेन करती हैं सीधे मुँह बात नहीं करता बच्चा, फ़ोन नहीं करता, तो यहीं से पढ़ के उनका तसव्वुर करके दम करें। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रत आयुनी व जअलना लिलमुत्तकीन इमामा, आयत नंबर 74 सूरह फुरकान, तो इंशाअल्लाह औलाद फरमाबरदार होगी। सुभान जी। अच्छा, अमरीन जो है उनसे मैं बात करना चाहूँगी, और अमरीन की क्या फ़िक्रमंदी की अलामत है वो पूछते हैं इनसे। मेरे हस्बैंड का कारोबार शुरू करा है, 2 साल हो गए। 2 साल पहले कंपनी में जॉब करते थे, तो हम लोगों ने गुजारा करा जिस तरीके से भी। अब हमने कर्ज़ा लिया है और अपने कारोबार शुरू करा है, कपड़े की दुकान खोली है, तो अब कारोबार उनका बिल्कुल भी नहीं चल रहा। अब हमने कर्ज़ा भी उठाया हुआ है, पर वो रेंट भी देना होता है दुकान का, मगर कारोबार बिल्कुल भी जैसे चल रहा ही नहीं है हमारा। मुश्किलात इतनी हो रही है घर में भी, कारोबार में भी,
और हमारे को हर महीने रेंट भी देना होता है, घर की परेशानियाँ भी देखनी होती हैं, बच्चे भी हैं। तो बिल्कुल भी जैसे कारोबार चल रहा था ऐसे ही पता नहीं नज़र लगी है, नया काम शुरू कर लिया या क्या है, तो बिल्कुल कारोबार चल रहा ही नहीं है इनका। सब बिल्कुल पहले तो यह है कि तनख्वाह आती थी, अब बिल्कुल भी बचत ही नहीं हो रही कि हम लोग कुछ कर सकें घर में, या कर्ज़ा उतारे हैं या जो रेंट देते हैं वो दें, बिल्कुल पीछे हो गए हैं। कोई ऐसा वजीफा हो या नजर बद का कुछ ऐसा हो जो हम लोग पढ़ें तो आसानी हो जाए। जी सफ़ा जी, बिल्कुल सूरह वाकया, ये हदीस पाक में भी इसकी बरकत बयान फरमाई गई है। सूरतुल गिना यानी मालदारी हासिल करने वाली सूरत भी इसको करार दिया गया, सूरतुल गिना। तो इसको पढ़ें, सूरह वाकया को रोज़ ईशा के बाद मामूल बना लें। थोड़ी सी तवील है लेकिन जब हम पढ़ते रहते हैं तो वो फरावानी खुद ब खुद आ जाती है। तो ईशा के बाद इसको पढ़ने का मामूल बनाएं, इंशाल्लाह इससे बेशुमार बरकतें हासिल होंगी।